गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं द रीडर और इंस्टाग्राम पर द रीडर 21 के नाम से हमारा चैनल है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन है? एक्चुअली क्या है कि जो न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एन एस आई एल, ये जो है इसरो का ही, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो का ही ये एक पार्ट है, इसरो का ही एक छोटा सा पार्ट है ये। तो इसके जो है चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ए के सिवन, बी जी नारायण, सी जी सतीश रेड्डी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जी नारायण को जो है एन एस आई एल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जबकि इसरो का जो चेयरमैन है वो कौन है? के सिवन है, और जो जी सतीश रेड्डी है वो डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी है। डैन डेविड प्राइज किसे दिया गया है? ए गीता सेन, बी डेबोरा दिनिज, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को जो है डैन डेविड प्राइज दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्राइज है इन दोनों को जो है वुमेन एम्पावरमेंट, और जो ये दोनों फेमिनिस्ट है, इनको वुमेन एम्पावरमेंट में काम करने के लिए काम मतलब ये प्राइज दिया गया है। इन्होंने जो है जैसे गीता सेन है इंडिया की, तो इन्होंने इंडिया की लेडीज के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सारा काम किया, तो उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 65वें फिल्म फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए गुवाहाटी, बी भोपाल, सी गुलमर्ग, डी मुंबई। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा गुवाहाटी कहाँ है? तो गुवाहाटी हमारा असम में है, असम में, और असम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? सर्वानंद, मतलब मैं सिर्फ इस लिख रहा हूँ सोनोवाल इनके चीफ मिनिस्टर है। और अच्छा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। अच्छा इसके जो गवर्नर है वो कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में, असम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर में जो है असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो सर्वानंद सोनोवाल है, और जो गवर्नर है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी है। 65वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ए विकी कौशल, बी रणवीर सिंह, सी आयुष्मान खुराना और डी करण जौहर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह को जो है गली बॉय जो मूवी आई थी उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आयुष्मान खुराना को जो है बधाई हो के लिए बेस्ट क्रिटिक एक्टर का अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? बधाई हो के लिए। उसके अलावा इस फिल्म फेयर को होस्ट किसने किया था? तो होस्ट किया था विकी कौशल ने और करण जौहर ने, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम यहाँ पर शामिल किया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ए मार्सेलो डी सोसा, बी जियर बोल्सोनारो, सी बोरिस जॉनसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्सेलो डी सोसा। एक्चुअली क्या है कि मार्सेलो डी सोसा जो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति है, और ये जो है अभी इंडिया के दौरे पर, मतलब भारत के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने भारत के सरकार के साथ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके साथ एक 14 MOUs साइन किए हैं, और पुर्तगाल के साथ जो हमारा रिलेशन है वो लगभग 500 सालों का हिस्ट्री है हमारा एक साथ। जब ये पुर्तगाली एज ए आक्रमणकारी, मतलब जब ये हमारे देश को लूटने के लिए एक लूटेरे के रूप में हमारे देश में आए थे, तब से जो है पुर्तगाल के साथ हमारा रिलेशन है। उसके बाद ऑप्शन ये, जियर बोल्सोनारो कौन है? तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, और ये जो है 26 जनवरी पे, इस साल 26 जनवरी पे 2020 में 26 जनवरी पे जो मुख्य अतिथि कहते हैं वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन? जियर बोल्सोनारो। उसके बाद बोरिस जॉनसन कौन है? तो बोरिस जॉनसन जो है यूके के प्रेसिडेंट, सॉरी पीएम है, यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन। बिग बॉस 13 का विजेता कौन है? ए सिद्धार्थ शुक्ला, बी पारस छाबड़ा, सी रश्मि देसाई और डी आरती सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ शुक्ला जो है बिग बॉस 13 के विजेता बने हैं। पहली फुल सर्विस ओवरनाइट काशी महाकाल एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलेगी? ए वाराणसी से इंदौर, बी दिल्ली से आगरा, सी मुंबई से पुणे और डी मुंबई से अहमदाबाद।
तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, ये वाराणसी से इंदौर के बीच में चलेगी। अच्छा, मुंबई से पुणे क्या है, अगर कल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे था, मुंबई से पुणे जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, इंटरसिटी बस थी मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो दूसरी जो तेजस एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस दूसरी वो चली थी, और दिल्ली से आगरा के बीच में पहली तेजस एक्सप्रेस थी, और वाराणसी से इंदौर के बीच में पहली जो है काशी महाकाल एक्सप्रेस चलेगी। न्यू दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, ए अरुण जेटली, बी सुषमा स्वराज, सी लाल कृष्ण आडवाणी और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी के नाम पर जो हमारी पहले विदेश मंत्री थी, सॉरी इससे पहले जो वो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, तो उनके नाम पर जो प्रवासी भारतीय भवन का नामकरण किया गया। एक्चुअली क्या था कि 14 जनवरी को, 14 फरवरी को इनका जन्मदिन था, तो इनके जन्मदिन को जो है मतलब एक तरह से मार्क करने के लिए हमने जो है भारतीय प्रवासी भारतीय भवन का नाम जो है सुषमा स्वराज भवन कर दिया। आज के ऑनलाइन में है, भारतीय रेल जो है रामायण एक्सप्रेस शुरू करने वाला है। एक्चुअली क्या है कि इसके चांसेस है कि 10 मार्च से भारतीय रेल के हैं एक रामायण के थीम पे बेस्ड रामायण एक्सप्रेस स्टार्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि जो है जब यात्री आएंगे इनबोर्ड करेंगे आउटबोर्ड करेंगे तो इन्हें रामायण की जो है लाइनें सुनाई देंगी और रामायण का जो म्यूजिक जो है ट्रेन में बजेगा। उसके बाद भारत की सरकार ने जो पुलवामा के जो शहीद है जो 14 फरवरी को पिछले साल अटैक हुआ था, 14 फरवरी 2019 को, तो उनके शहीदों की याद में जो है लेथफेरा में एक स्मारक बनाया है जिसपे उन सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं कि जो उस दिन शहीद हुए थे उनके नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए बढ़ते इतिहास की तरफ। तो 1944 में जो है हिंदी सिनेमा के जो पितामह थे दादा साहेब फाल्के, उनका निधन हो गया, और इन्हीं के जो नाम पे मतलब ये जो है इंडिया में भारत सिनेमा को लेके आए थे, तो इनके लिए दादा साहेब फाल्के का अवार्ड दिया जाता है। जो भी जो है मतलब भारतीय सेलिब्रिटी जो है फिल्म में अच्छा काम करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं। और जो पिछले साल 2019 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो किसका दिया गया था, बिग बी अमिताभ बच्चन को। और दादा ये एक संयोग था कि जब जब से दादा साहेब फाल्के अवार्ड देना शुरू किया गया तभी से अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, और इसके जब 50 साल हुए हैं दोनों के, अमिताभ बच्चन का भी 50 साल हुए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, और दादा साहेब फाल्के का भी 50वां जो अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। अच्छा, विश्व की पहली जो क्लोन भेड़ थी डॉली, इसका नाम देख लीजिए डॉली, उसको 2003 में जो है दया मृत्यु दी गई। दया मृत्यु मतलब क्या होता है कि जब हम कोई इंसान बहुत ही ऐसे कोई इंसान या कोई जानवर ऐसे क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर वो जिंदा रहता है तो उसको बहुत तड़पना पड़ता है एक तरह से, तो उसके लिए दया मृत्यु दे दी जाती है। उसके बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, सॉरी है अभी नीतीश कुमार, उन्होंने 2008 में जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया था। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह का जो स्टार्ट कब हुआ, 2008 में, ये बीपीएससी से में आ सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ये भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे की वीडियो मिलते रहे, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।